हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी रसगुल्ले, तो चलिए बनाते हैं रसगुल्ले। तो रसगुल्लों के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध मैंने गाय का लिया है। आप गाय का या टोंड मिल्क भी ले सकते हैं। इसको हम उबाल देंगे। मैंने एक नींबू लिया है, उसको मैंने काट लिया है। उसका हम रस निकालेंगे छेना बनाने के लिए। नींबू को मैंने निचोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच गर्म पानी डालेंगे। दूध हमारा गर्म हो गया तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। नींबू को थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हिला लेंगे। इसको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब दूध को फाड़ लेंगे। दूध हमारा फट गया और छेना बन गया। अब हम इसको एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उससे हम छान लेंगे। कपड़ा यहाँ पे आपको जालीदार ही लेना है, मोटा कपड़ा नहीं लेना है, नहीं तो इसका पानी पूरा नहीं निकलेगा बाहर। इसको निचोड़ देंगे। ये पानी है, इसको आप आटे में यूज कर सकते हो या सब्जी में यूज कर सकते हो, नहीं तो अपने पेड़ पौधों में भी डाल सकते हो। अब हम इसको 2-3 बार पानी से धो देंगे। इसके अंदर जो खट्टापन है नींबू का वो बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसको टाइट निचोड़ के सारा पानी छेने का बाहर निकाल दूंगी। छेने के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। इसको टाइट हाथों से निचोड़ के सारा पानी मैंने बाहर निकाल दिया। अब छेने को मैं एक बड़े बर्तन में डाल दूंगी। इसका सारा पानी बाहर निकल गया, एकदम सूखा हो गया हमारा, एकदम ड्राई हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह मथेंगे। हाथ के इस भाग से अच्छी तरह ऐसे मसल देंगे। इसको 10 मिनट तक ऐसे ही मसलेंगे जिससे हमारा छेना एकदम स्मूथ हो जाए। अब मैं इस पर 1 छोटा चम्मच अरारोट का पाउडर भी मिला दूंगी। और इसको भी अच्छी तरह मिला के इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब सबको एकदम मिक्स करके थोड़ा और गूंद लेंगे। अब हमें इसकी छोटी छोटी लोइयां बना दूंगी। तो ये मैंने छोटी छोटी सारी लोइयां बना दी। अब मैं इसको हथेली में रख के इसके छोटे छोटे बॉल बना दूंगी। बॉल बनाते समय ध्यान रखना है कि इसमें कोई क्रैक ना आए। तो ऐसे करके मैंने सारी बॉल बना दी है। ये हमारी सारी बॉल बन के रेडी हो गई है। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, 1 लीटर दूध लिया, तो 1 कप चीनी लेंगे इसके अंदर।
और इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 3 कप पानी डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चीनी को अच्छी तरह मिला लेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 2 हरी इलायची डाल देंगे और इसको भी मिला देंगे अच्छी तरह। ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई। हम इसके अंदर एक एक करके घोल डाल देंगे। घोल डालते समय चाशनी में अगर झाग निकले तो आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बने, ये ध्यान रखना आपको। तो मैंने एक एक करके ये सारी बोल इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको ढक लगा कैसे पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए। अब हम रसगुल्ले को पलटेंगे, सारे रसगुल्ले एक एक करके पलट देंगे और वापस ढक लगा के 5 मिनट तक इस साइड से पकाएंगे। गैस की फ्लेम हाई रखनी है। ये रसगुल्ले बनके हमारे तैयार हो गए। गैस को हम बंद कर देंगे। देखो मैंने इसको एक बाउल में निकाला है, कितना अच्छा लग रहा है, कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।